अस्सलाम वालेकुम, मैं नसीम जी अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आप सब कैसे हो? ठीक हो? माशाल्लाह जुमे का दिन है, आप सबको मुबारक हो और आप अल्लाह ताला आप सब पे अपनी करम नवाजी अदा फरमाए। और मैं भी ठीक हूँ और आपके काम कारोबार में रिजक में खैर बरकतें अता फरमाए, आमीन। और चलते हैं हम किचन की तरफ और स्टार्ट करते हैं कि खमीरी रोटी और तवे के ऊपर नान रोटी कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, नाज़रीन ये देखिए हमने जो डोर बनाई है, नान खमीरी नान पराठा जो बनाएंगे हम, वो मैंने रात को गूंद के रख दिया था और इसकी मैंने वीडियो आप बनाई है, तो आप लोगों ने देखना है कैसे मैंने घाटा गूंदा ये। अब मैं इसकी आपको रोटियां बना के दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सोचा जुमे के दिन है कोई स्पेशल नाश्ता होना चाहिए, आज मैं वीडियो बना कर आप सबको दिखाती हूँ मेरी रेसिपी नाश्ते वाली। ये रोटी जब बेलते हैं ना, पूरी रोटी नहीं बेलते, कम बेलते हैं इसको, इसका साइज मोटा होता है, पेड़ा भी इसका बड़ा होता है। आपको हम बना के दिखा रहे हैं तवे के ऊपर खमीरी रोटी। मैंने सोचा कि चलो सुबह सुबह आज जुमे का दिन है, मुबारक दिन है, तो इसीलिए मैंने कहा कुछ स्पेशल हो जाए। मैंने कहा बच्चों के लिए बना रही हूँ, मैंने कहा वीडियो बना के आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, अपने बच्चों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं, अपने घर में आए मेहमानों के लिए बनाएं और खुश करें सबको। अच्छा लगता है, अच्छा नाश्ता जब घर में तैयार होता है तो सब खुश बहुत होते हैं। आप फिर बाज़ार का लेके आना, ले आके खाना सब भूल जाएंगे, घर पे तैयार करेंगे। हमने इसमें घी डाल दिया है कि मैं आमलेट बना लेती हूँ कि तवा मेरा वो चीक ना हो जाएगा घी से। ये रोटी डालने के लिए तो पहले तवे का तवे के ऊपर घी लगती है ना, इसलिए मैंने कहा पहले आमलेट बन जाएगा, ये चीक ना हो जाएगा तो रोटी भी बड़े आराम से बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, कितनी प्यारी माशाल्लाह, इतना खूबसूरत, बड़ा प्यारा।
सुबह के नाश्ते में अगर हम ऐसा नाश्ता बना के अपने मेहमानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए तैयार करके देंगे, वो कितने खुश होंगे। ये कितना नरम मुलायम, इतना प्यारा खूबसूरत बन गया है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत, इतनी प्यारी तवा नान बनाई जी। नाज़रीन, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तवा नान स्पेशल तैयार हो गए हैं, माशाल्लाह कितने प्यारे बन गए हैं। हमने सोचा कि साग पड़ा हुआ है, इसका भी दो पराठे बना के दिखा देते हैं, दो पेड़े पड़े थे, हमने कहा नाश्ते में ये भी बना लेते हैं। सुबह का टाइम जो चीज़ होती है गर्मी, वो तैयार कर लिया करो बाहर से मंगा के, फिर स्पेशल हर चीज़ नाश्ते के लिए तैयार करके रख लिया करो रात के टाइम में। सुबह के टाइम फिर बनाने में आसानी होती है। आज की रेसिपी हमारी कैसी लगी, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दोबारा ना भूलिए, ताकि आने वाली अंदर वीडियो आपको आसानी मिले। जी नाजी, आज का स्पेशल नाश्ता हमारा तैयार है, हम तो खाने के लिए बैठ गए हैं जी। आप भी आइए हमारे साथ नाश्ता कीजिए। आधा किलो मैदा है, एक प्याली सिर्फ आटे की इसके अंदर है, इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर के 2 चम्मच डालेंगे, छोटे चाय वाले, ये हमने 2 चम्मच डाल लिए हैं। घर में इस्तेमाल करने वाला 1 चम्मच छोटा मीठे सोडे का, खाने वाला मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर 2 चम्मच, 1 चम्मच मीठा सोडा, और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक। इसके अंदर इस तरह हम छान लेंगे, डलिया वगैरह निकल गई हैं बाहर, 2 गुठलियाँ अच्छे तरीके से मिक्स करना है इसको, और गरम हल्का नीम गरम पानी से गूंदना है। ना हम इसमें दही और क्या नाम दूध वगैरह नहीं डालेंगे, और इसके अंदर वो भी नहीं डालेंगे चीनी वगैरह। ये है 2 चम्मच घी, इसमें थोड़ा सा डालूंगी मैं, इतनी प्याली दही डालनी है। खमीरा बनाने के लिए हमने दही डालना ज़रूरी है इसके अंदर। ये देखो कितना नरम है। अब मैं हल्का सा हाथ पे घी डालूंगी, ये हमारा मेरी आटा रेडी हो गया है। अब इसको हम बोल में निकाल देते हैं, अब मैं इसको आराम से फ्रिज में रख दूँगी, रखूँगी फिर फ्रिज में रख दूँगी। जिस टाइम मैंने पकाना है तो आधा घंटा पहले निकाल के मैं इसको रोटियां बना के ना कमीरी नान बना लूँगी सुबह के टाइम नाश्ते में।